नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में पूर्वोत्तर में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के दूसरे राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसी बीच एमपी कांग्रेस भी नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का विरोध है जो पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो नागरिक बिल पास किया गया है, उस बिल का हम विरोध करते हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। हम कहते हैं और चाहते भी हैं कि बिल को मोदी जी की सरकार वापस ले। ये कहीं ना कहीं बिल धर्म के आधार पर बनाया गया है। यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है, नागरिक संशोधन बिल, और निश्चित तौर पर देश के जो धर्म निरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला है। देश को एक बार फिर धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही भाजपा, जानबूझकर आर्थिक मुद्दे और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए काम किया जा रहा है। दरअसल नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है। हालांकि कांग्रेस सहित दूसरी कई पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।